हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स को पिछले वीडियोज में कवर कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर था, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट तीन चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं। ठीक, तीन चैप्टर्स कौन कौन थे? सर्किट एलिमेंट्स, नेटवर्क एनालिसिस और ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स। ये तीन चैप्टर्स जो थे वो कम्प्लीट कर चुके हैं। 15 तारीख को पेपर है, तो बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थे कि सर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पीछे के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको देखने के बाद मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं, और जनरली हम बीएससी पढ़ाते भी हैं तो हमको आइडिया रहता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका इसमें फ़ायदा होता है, यूनिवर्सिटी में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे लगभग वही टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इसी का खासा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ टॉपिक्स में हिंट कर देता हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन हाँ हिंट कर रहा हूँ कि ये इनके आने की प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम है। ठीक, मैं चलता हूँ आगे अपने पहले पेज पर और थोड़ा सा पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर होता है क्या होता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स का पेपर होता है होल टोटल 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। 100 मार्क्स में आपके तीन पेपर्स हैं फिजिक्स के। ठीक, तीनों पेपर्स में जो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पहला पेपर 33 नंबर का होगा, दूसरा जो होगा वो भी 33 नंबर का होगा, और जो तीसरा होगा वो 34 नंबर का होगा। ठीक, ये पेपर में नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 नंबर थ्योरी है, उसके बाद 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का, ये चीज़ आप जानते होंगे। अब मैं आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थर्ड पेपर है। ठीक, और थर्ड पेपर के टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। थर्ड पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न भी लगभग सारों में सेम होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सब में सेम होगा, टॉपिक्स चेंज है। पैटर्न क्या होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का? आपसे कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, 9 क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन होता है पहले पेपर में 3 नंबर का होगा, दूसरे पेपर में भी 3 नंबर का होगा, और तीसरे पेपर में 4 नंबर का होगा, और ये तीनों ही कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब इसे आपको करना ही करना है। तो ये पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा आपका, दूसरे से 9वें क्वेश्चन तक कुल मिला के आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, और 8ों क्वेश्चंस जो होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं, 6 मार्क्स के। ठीक, अब 6 मार्क्स में से कम आपको करने कितने हैं? 3 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखिएगा, 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। 5 अटैम्प्ट करने का मतलब ये आपका हो जाएगा 5 6 का 30 नंबर। तो आप 30 नंबर इधर अटैम्प्ट करेंगे, 4 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट करेंगे, कुल मिला के पेपर 34 नंबर का होगा। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं दूसरे से लेके 8वें तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली कहीं से भी फुल मार्क्स में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर एक पेपर में जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है यानी कि 9वां क्वेश्चन वो 60 नोट होता है, और जिसे लगभग हर एक लड़का अटैम्प्ट करता है। ठीक, देखिए ध्यान रखिएगा कि 60 नोट जरूर पूछा जाएगा, कुछ फिक्स टॉपिक्स है या कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पर 60 नोट आ सकते हैं, तो जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें से किसी पर भी बेसिक 60 नोट दिया जा सकता है, और 60 नोट 2 या 3 टॉपिक्स पर लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन होगा 9 नंबर का, सॉरी 9 क्वेश्चन होगा, 9वां क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, जिसमें 2-2 नंबर के 3 टॉपिक्स दे देंगे 60 नोट लिखने के लिए, या 3-3 नंबर के 2 टॉपिक्स दे देंगे, ये ऑप्शंस होते हैं, आपको 60 नोट लिखना होगा इसमें। बाकी बीच के जो क्वेश्चन है फुल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सो पूरा आपको डिटेल्ड आंसरिंग करनी होती है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पेपर की तरफ, थर्ड पेपर्स में क्या क्या है। तो मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेता हूँ कि हमको कौन कौन सा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, किस किस पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सर्किट एलिमेंट्स। ठीक, सर्किट एलिमेंट्स में हम लोगों को कहाँ फोकस करना है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ये बेसिक चैप्टर है जनरली कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये पूरा बेसिक चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, पहला टॉपिक है कलर कोड। ठीक, कलर कोड्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, इसमें से कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि सर्किट सिंबल्स पूछ लिया जाता है आपसे, 1-2 बार पीछे पूछा गया है, जो कि बीएससी लेवल का टॉपिक नहीं है खैर, लेकिन 1-2 बार पीछे पूछा गया है कि डायोड का ट्रांजिस्टर सर्किट सिंबल क्या होता है, ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल क्या होता है, एनपीएनपी एनपीएनपी में कंफ्यूज कर सकते हैं, आयरन कोर
और एयर कोर इंडक्टर्स कैसे बनते हैं, उनका सर्किट सिंबल क्या होता है, रजिस्टर्स, वेरिएबल रजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर्स, इन सब का सर्किट सिंबल किसी का पूछा सकता है, ठीक। तो बेसिक थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। कलर कोड्स आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, सेम कलर कोड है। कलर्स के थ्रू किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक। कलर कोड्स का यूज करके किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। इसी चीज़ में एक टॉपिक आता है टॉलरेंस, टॉलरेंस ऑफ रजिस्टर्स। तो टॉलरेंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक में ही इसी में एक पहले चैप्टर में ही एक टॉपिक और है इक्विवेलेंस ऑफ। मैं दूसरा टॉपिक भी लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंस ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स। लिखने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट करते चले जाइएगा। इक्विवेलेंस ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स एंड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कांस्टेंट करंट सोर्स और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये मेरे वीडियोज में भी अवेलेबल है, ठीक। ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे वीडियोज में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर जो है हम लोगों का क्या है, सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो है नेटवर्क एनालिसिस, ठीक। नेटवर्क एनालिसिस। अब नेटवर्क एनालिसिस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। नेटवर्क एनालिसिस में स्टार्टिंग में किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सब दिया गया है। उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिक आइडिया आपका होगा और आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आती ही होंगी। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, मेस एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, दो चीज़ें पढ़नी है। और ये रजिस्टर्स का यूज़ करके नहीं पढ़नी है, उसमें इम्पीडेंसेस का यूज़ करके पढ़ना है। तो आप लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पे दिया गया होगा जेड इम्पीडेंस का यूज़ करते हुए हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसके भी वीडियोज अवेलेबल हैं पूरे हमारे चैनल पर। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट है टू मेस नेटवर्क एनालिसिस, एन मेस नेटवर्क एनालिसिस, ठीक। तो आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, मैं नोट कर देता हूँ इसको, टू मेस नेटवर्क एनालिसिस और एन मेस नेटवर्क एनालिसिस, ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसी के बाद नोडल एनालिसिस पढ़ना है। नोडल एनालिसिस से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट मेस एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें टी और पाई नेटवर्क, जो दूसरा टॉपिक होगा जो आप लोगों को पढ़ना है, टी एंड पाई नेटवर्क, ठीक। इसका एनालिसिस आप लोगों को करना है टी एंड पाई नेटवर्क का। टी एंड पाई नेटवर्क को हम लोग स्टार और डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं, तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए स्टार और डेल्टा नेटवर्क के नाम से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि टी और पाई ही लिखें, स्टार और डेल्टा नेटवर्क भी लिखा जाता है। अदर यूनिवर्सिटीज अलग अलग सिंबल से यूज करती हैं। तो ये नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों का मेस एनालिसिस, ठीक। इसके बाद एक टॉपिक और है इसमें टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन, टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन और पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। टी टू पाई और पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही एक टॉपिक आएगा, इक्विवेलेंस ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क। मैं उसको लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है टॉपिक, ठीक। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क, ठीक। मतलब टी और पाई नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होंगे। एक टॉपिक और है इसमें जिस पे बहुत फोकस नहीं किया जाता है बट करना चाहिए, वो है मैं चौथा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक दो बार पूछा गया है। मोस्टली क्या पूछा गया है आपसे, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इसी दो टॉपिक से आते हैं। इसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है जो मैं सबसे लास्ट में लिस्ट कर रहा हूँ, इसमें लास्ट में दिया हुआ है नेटवर्क थ्योरम्स। और नेटवर्क थ्योरम्स में क्या क्या है, पाँचवा जो है नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स में पहला है हमारा नॉर्टन्स
नॉर्टन्स थ्योरम, दूसरा है हमारा थेवेनिन थ्योरम, और तीसरा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते थे पीछे करीब 5-6 सालों से। नॉर्टन्स नहीं पूछा गया था, लेकिन पिछले साल नॉर्टन्स पूछा हुआ है, ठीक। तो इस बार नॉर्टन्स के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इस बार आप लोगों को फोकस कहाँ करना है, थेवेनिन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर। इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको टी या पाई नेटवर्क कोई दे दिया जाएगा, कहेगा कि इसमें आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कीजिए, और फाइनली एक किसी रेजिस्टेंस में करंट पूछ लेगा आपसे। जनरली जो आउटपुट का रेजिस्टेंस होता है या लोड रेजिस्टेंस होता है उसी में करंट पूछा जाता है आपसे। टी और पाई दोनों ही नेटवर्क में पूछा जाता है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी इस पर अपने वीडियो पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो ये टॉपिक्स थे सेकेंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना कहाँ कहाँ करना है जो रेड मार्क किया है मैंने, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये और नीचे ये, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है इस बार के लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग ट्रांजेंट एनालिसिस में, तीसरा चैप्टर जो अभी चल रहा था फिलहाल। तो मैं बोर्ड को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रांजेंट एनालिसिस, तीसरा चैप्टर है हमारा। ठीक, ट्रांजेंट एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो पढ़ा तो होगा बहुत कुछ, LR सर्किट में ग्रोथ और डीके, CR सर्किट की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और LCR सर्किट की डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक, ये 6 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट आप लोगों को इस बार फोकस कहाँ करना है, LR सर्किट पर ज़्यादा फोकस करना है, LR सर्किट में ग्रोथ और डीके। ठीक, CR सर्किट को देख लीजिएगा, CR सर्किट को ऐसा ना कीजिएगा कि बिल्कुल छोड़ दें, उसको देख लीजिएगा, बट ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, LR सर्किट पर। LR सर्किट की ग्रोथ और डीके से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस बार अच्छे से पढ़ाया गया है ये। ठीक, उसके बाद CR सर्किट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मतलब देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आ जाए तो छूट ही जाए, छूटना नहीं चाहिए, कर डालिए। ठीक, दोनों में सिमिलरिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे LR के वैसे CR के सिमिलरिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट, मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ तीसरे में भी। ये पहला टॉपिक था हमारा जहाँ पे आप लोगों को LR में क्या देखना है, ग्रोथ एंड डीके। ठीक, दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, LCR सर्किट। LCR सर्किट में पढ़ना क्या है बता दें, थोड़ा सा अगर आप लोग अपना माइंड यूज करेंगे तो कम पढ़ करके ज़्यादा लिख सकते हैं। LCR सर्किट में आप लोग पढ़िए डिस्चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट। ठीक, अगर आप लोगों ने पीछे मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को पता चला होगा कि मैंने डिस्चार्जिंग पहले पढ़ाया हुआ था, उसके बाद चार्जिंग पढ़ाया हुआ था। रीजन क्या था, डिस्चार्जिंग का पूरा कैलकुलेशन चार्जिंग में यूज होता है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस करना है, डिस्चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट पर। अगर आपने डिस्चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट अच्छे से पढ़ लिया तो चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट तुरंत कर लेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन आई हुई थी वो क्या हुई थी, जो हमारा डिस्चार्जिंग में इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, जो क्यूटी की इक्वेशन आई हुई है डिस्चार्जिंग में, वो कुछ इस टाइप आया हुआ है, a1e^(-k+p)(t) + a2e^(-k−p)(t)। ये किस में आया हुआ है, डिस्चार्जिंग में। a1 a2 की वैल्यू निकालने का तरीका सेम है, चार्जिंग में भी डिस्चार्जिंग में भी। डिस्चार्जिंग के बाद चार्जिंग में हुआ क्या था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक क्वांटिटी जुड़ गई थी, Q0 + Q0। ठीक, अगर आप लोग इसी चीज़ को दूसरे तरह से लिखें तो Q0 + कर कितना लिख सकते हैं हम लोग, अब आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपने चार्ज डिस्चार्जिंग पढ़ा हुआ है तो चार्जिंग के टर्म में Q0- करके इसको लिखते चले जाना है। ठीक, जनरली A1 A2 की वैल्यू जो आती है निगेटिव ही आती हैं, तो A1 A2 की वैल्यू जब निगेटिव आती हैं तो क्या हो जाएगा, Q0- हो जाएगा। Q0- डिस्चार्जिंग का पूरा कैलकुलेशन छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक, क्योंकि चूंकि Q0- होगा तो Q0- करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्यूटी में ही चेंज होना है, आईटी के इक्वेशंस जो हैं जैसा कैलकुलेशन चार्जिंग का है वैसे ही डिस्चार्जिंग का है, इवन ग्राफ भी दोनों में सेम है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के करंट का जो इक्वेशन होगा या करंट के लिए कैलकुलेशन होगा ट्रांजेंट करंट का, वो दोनों में ही सेम है, तो आप डिस्चार्जिंग का पढ़ लेंगे, चार्जिंग का हो जाएगा।
चार्जिंग का जब भी आप करेंगे तो जैसे आप डी क्यू टी बाई डी टी करेंगे आई टी निकालने के लिए, क्यू नॉट जीरो हो जाएगा, और क्यू नॉट जीरो हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, वही चार्जिंग वाला टर्म, ठीक, सॉरी डिस्चार्जिंग वाला टर्म। तो ये चीज़ था। तो आपको ट्रांजेंट में सिर्फ इतना पढ़ना है, एल आर पर फोकस करना है, और उसके बाद एल सी आर में डिस्चार्जिंग पर फोकस करना है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्चार्जिंग में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो इसमें जो तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे, हैवली डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड, इन्हीं तीनों को में से कोई एक केस स्पेशली पूछ लेंगे, या हो सकता है कि पूरा पूछ ले फुल मार्क्स में, ठीक, ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट, मैं अगले पेज पर चलता हूँ, जो हमारा चौथा चैप्टर है, ठीक, वो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको पढ़ना क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डायनामिक्स ऑफ गैल्वेनोमीटर एक टॉपिक है जिसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस दिया गया है, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पांस को। ठीक, ट्रांजिएंट रिस्पांस में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस इन टॉपिक्स पर वीडियो नहीं डाला हुआ, क्योंकि मैं इस टॉपिक तक पहुंच नहीं पाया। ट्रांजिएंट रिस्पांस में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर तीन टाइप के हो जाते हैं, जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होगा या हैवली डैम्ड होगा, तो हम लोग उसी जैसे पीछे मैंने लिखा हुआ था केसेस, हैवली डैम्ड केस, क्रिटिकली डैम्ड केस, अंडर डैम्ड केस या बैलिस्टिक केस, उसी के बेसिस पे, उन्हीं तीनों केसेस के बेसिस पे यहाँ भी गैल्वेनोमीटर तीन टाइप के होते हैं, हैवली डैम्ड गैल्वेनोमीटर, क्रिटिकली डैम्ड गैल्वेनोमीटर और बैलिस्टिक या अंडर डैम्ड गैल्वेनोमीटर। ठीक, अंडर डैम्ड को भी बैलिस्टिक भी बोलते हैं हम लोग, ये तीनों पढ़ेंगे। कैलकुलेशन लगभग सेम है, जहाँ क्यू लिखते थे वहाँ थीटा आता है, के जो हम लोग लिखते थे के और ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। ठीक, तो आप लोग चाहें तो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, अगर पीछे के वीडियो हमारे देखे हुए हैं एल सी आर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के, तो सेम तरह से कैलकुलेशन है, सेम तरह से कैलकुलेशन आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कुछ नाम और आता है जिसको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, इसी सेकेंड ईयर में शायद करने को मिले, एक्सपेरिमेंट का नाम है सी बाई बी जी। सी बाई बी जी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस आपका कंडेंसर बाई बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो ये टॉपिक आपको इसी में मिल जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ही, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कैसे हम लोग मेजर करें, ये टॉपिक दिया हुआ है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको पढ़ लीजिएगा सी बाई बी जी को। ठीक, यानी कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटेंस कैपेसिटर बाई बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कुछ टर्म्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं इसमें, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी पढ़ा हुआ आप लोगों ने इंटरमीडिएट में, करंट सेंसिटिविटी, इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा हुआ चार्ज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी की तरह क्या होता है चार्ज सेंसिटिविटी। इन पर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ सी बाई बी जी, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, करंट सेंसिटिविटी चार्ज सेंसिटिविटी पर सिर्फ शॉर्ट नोट आता है। इसी के साथ साथ एक इसमें आता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ठीक, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट पर भी शॉर्ट नोट पूछा गया है, पीछे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक नाम और आता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इन टॉपिक्स को थोड़ा देख लीजिएगा ये क्या होता है, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है ये, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और इसमें से जो मोस्टली पूछा जाता है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस पूछा जाता है, और कई बार ये पूछा गया। ठीक, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जब पूछे जाएंगे तो एक या दोनों में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो टॉपिक्स जो नीचे मैंने लिस्ट किया हुआ है ये एक या दोनों में पूछे जाएंगे, इसमें बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। इसी में से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में लगभग पूछे गए हैं, इसी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो पांचवा चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो हमारा पांचवा चैप्टर हो क्या है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या पूछा जाएगा, का क्या पूछा जाता है जनरली, तो
पहला जो है वो पूछा था फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार, कम क्वेश्चन पूछे गए हैं बट शॉर्ट नोट में भी एक दो बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब चीजें तो बहुत कुछ दी हुई है इसमें, LR सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है LCR सर्किट, ठीक। और LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, LCR सर्किट और LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में एक नाम आता है शार्पनेस, ठीक, इसको जरूर देख लीजिएगा, शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर एक नाम और है, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बोलते हैं क्या, क्वालिटी फैक्टर। इन दो तीन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा इसमें, ठीक, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ LCR सर्किट को आप छोड़ भी नहीं सकते, इससे क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे गए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिएगा। LCR सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन, शार्पनेस, रेजोनेंस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, बीएससी में जो पढ़ना है इंटरमीडिएट में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन पढ़ा होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके, लेकिन बीएससी में जो पढ़ना है सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दोनों पढ़ना है, ठीक, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को रेजोनेंस कंडीशन दोनों के लिए देखनी है। उसके बाद शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में इसी चैप्टर में कुछ दिया गया है एसी ब्रिजेज का नाम, ठीक, मैं दूसरा टॉपिक करता हूं उसको, एसी ब्रिजेज, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ रखे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि टॉपिक मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन मैंने अभी भी इसमें बहुत सारे टॉपिक छोड़ रखे हैं, आप किताब पलट के देखेंगे या फिर अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं इंक्लूडेड हैं जो मैं छोड़ रखा हूं, ठीक। एसी ब्रिजेज में आपको कहां फोकस करना है, एसी ब्रिजेज में जनरली चार ब्रिज दिए हुए हैं, आप में चार में से आपको पढ़ना कौन कौन सा है, एक पढ़ना है मैक्सवेल, मैक्सवेल्स ब्रिज, और दूसरा पढ़ना है शेयरिंग ब्रिज, ठीक। दो ब्रिजेस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि पिछले इयर्स में जितने भी बार पूछा गया है इसमें से इन्हीं दोनों में से कोई पूछा गया है, मैक्सवेल ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, इन दोनों की बैलेंसिंग कंडीशन और डिटेक्टर आर्म के अलांग वोल्टेज, ठीक, दो चीजें अक्सर पूछी गई हैं, बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है और डिटेक्टर आर्म के अलांग वोल्टेज क्या होता है। दूसरी चीज, इनकी बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए आप लोग जाएंगे पीछे जो मैंने अभी बताया नेटवर्क एनालिसिस में, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग इम्पीडेंसेस के टर्म में ही सॉल्व किए हुए हैं, और यहां से बैलेंसिंग कंडीशन इसकी आई होगी Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू Z3 अपॉन Z4, ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो डाल रखा है तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। यही कंडीशन, सेम कंडीशन अप्लाई की जाती है कहां पे, एसी ब्रिजेज में, और एसी ब्रिजेज में यूज करते हैं यही कंडीशन और दूसरे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होगी, ठीक। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको देख सकते हैं आप लोग, एसी में बस इतना पढ़ना है आप लोगों को, ठीक। ये बहुत लंबा हो रहा है लेकिन इतना आप लोगों को मिनिमम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ और सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, ये चीज है। इतने के बाद अल्टरनेटिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार कपल ट्रांसफार्मर से, इसको भी देख लीजिएगा, कपल ट्रांसफार्मर क्या होता है और कपल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ठीक। तो ये दोनों चीजें जरूर देख लीजिएगा, इसमें से एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया है तो अभी टाइम के अभाव में थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल कर नहीं पाया, हो सकता है कल मैं, मुझे टाइम मिल जाए तो मैं न्यूमेरिकल का भी वीडियो बना के डाल दूंगा, आज अभी फिलहाल इसको डाल रहा हूँ। तो कपल ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं दो बार, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एक टॉपिक कपल ट्रांसफार्मर भी इसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा जो पोर्शन था ये इलेक्ट्रिकल का पोर्शन था, इलेक्ट्रिकल में पांच यूनिट्स हैं, पांच यूनिट्स मैंने बता दिया, इतना आपको इलेक्ट्रिकल में पढ़ने हैं और इसमें से मिला करके कम से कम आपको 5 फुल मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक। यानी कि जो 9 क्वेश्चंस का नाम लिया था मैंने उसमें से कम 5 फुल मार्क्स क्वेश्चंस यहां से आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में
चैप्टर्स तो क्या है आपके बुक में? एक चैप्टर वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स भी दी हुई है। वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि आप पूछी नहीं जाती तो उसको पढ़ने की बहुत कुछ खास जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो एग्जाम के बाद पढ़ करके उससे अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट कैसे हुआ। ठीक, सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक से फोकस करना है? तो आप लोगों को बेसिक सेमीकंडक्टर सेंटर में पढ़ाया गया है, बैंड थ्योरी पढ़ाई गई है, इसको एक बार देख लेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर आप लोगों को ये सब इंटरमीडिएट का टॉपिक क्लियर नहीं है तो खैर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो भी टॉपिक मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ उसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग बैंड थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक, सेमीकंडक्टर्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स या सेमीकंडक्टर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। बैंड थ्योरी के बाद आप लोग सीधे जाएंगे कहाँ पे, जो दूसरा टॉपिक है, ये पहले चैप्टर में, पहला चैप्टर बड़ा चैप्टर है बेसिक्स में, उसमें सब कई चीजें दी हुई है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब आप लोग जानते हैं बेसिक्स। उसमें बैंड थ्योरी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है या शॉर्ट नोट पे पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद तो बुक में दूसरा यूनिट दिया गया है वो है डायोड्स। डायोड्स में आपको पढ़ना है डिप्लेशन लेयर, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन विड्थ का फार्मूला, इक्वेशन ऑफ डायोड, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिप्लेशन लेयर फॉर्म कैसे होती है और डिप्लेशन लेयर में ब्रेकडाउन, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन में दो टाइप के ब्रेकडाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवलांस ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। तो इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट में एवलांस इफेक्ट पूछा जाता है, बुक में आपके दिया हुआ है, विनोद प्रकाश सर की बुक में है, एवलांस इफेक्ट, जेनर इफेक्ट, एवलांस ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा ही एक दूसरा चैनल है, साइंस ऑफ रियल लाइफ। मेरे जब चैनल के सबसे लास्ट में आप लोग जाएंगे तो उसको मैंने वहां पे ऐड कर रखा है, साइंस ऑफ रियल लाइफ। उसमें इंटरमीडिएट की कुछ वीडियोज मैंने डाल रखी है, इंटरमीडिएट की वीडियोज में सेमीकंडक्टर की ये पूरी थ्योरी दी हुई है। मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है बट थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा दिया गया है। ठीक, तो अगर आपको थ्योरी समझना है तो वहां पे जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं। डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन, डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, ब्रेकडाउन कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेकडाउन होता कैसे है, ये सारी चीजें मैंने वहां डिस्कस कर रखी है। ठीक, इंटरमीडिएट का चैनल है, चूंकि मैं 9th से 12th का वीडियो जो आप प्रोवाइड करता हूँ, जो ये चैनल है फिजिक्स द रियल लाइफ, इसमें मैं बेसिक वीडियोज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक, ये चीज है। ब्रेकडाउन के बाद इसमें बहुत ज्यादा नहीं है आ जाएगा आप लोगों का रेक्टिफायर, रेक्टिफायर्स में आपको पढ़ना क्या है। रेक्टिफायर्स में जनरली हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में सर्किट डायग्राम और रॉकिंग पढ़ा होगा, तो सर्किट डायग्राम और रॉकिंग वहीं यहाँ भी पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर के। एक रेक्टिफायर बढ़ जाता है यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लगभग सेम है। ठीक, अगर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में किसी को प्रॉब्लम होगी तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसका पीडीएफ मेरे पास है, मेरी ही पीडीएफ है। तो रेक्टिफायर्स में फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि उसके जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो लगभग है। उसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को फोकस कहां करना है, रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट एक टॉपिक है, दोनों ही आपको फुल वेव रेक्टिफायर और दोनों पढ़ना है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, सिर्फ आर और टू आर आता है। तीसरी चीज में फोकस क्या करना है, पूछा क्या जाता है, तो आपसे पूछा जाता है रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है। ठीक, दूसरा पूछा जाता है रिपल फैक्टर, ये क्या होता है, और तीसरा पूछा जाता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, ठीक। ये तीन टॉपिक्स हैं रेक्टिफायर्स में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, मोस्टली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम के साथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद उसका वेव फॉर्म। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में ये तीनों टॉपिक्स आ जाएंगे, इनके फार्मूले होते हैं, आप फार्मूला फाइंड आउट कर लीजिएगा।
ना मिल पाए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम भेज देंगे। ठीक, देखते हैं, तो PDF अगर अटैच हो पाती है तो मैं अटैच कर दूंगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से पढ़ लेनी है, ठीक, डायोड्स वाले सेक्शन में। इसके बाद डायोड्स का सेक्शन ख़त्म, जो पहला डायोड वाला सेक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड्स, डिप्लेशन लेयर, ब्रेकडाउन आ जाएगा, फिर रेक्टिफायर्स में दोनों। ठीक, इसके थोड़ा और आगे तो आता है हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक, ट्रांजिस्टर जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो BJTs करके है, BJTs, ठीक, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपको बेसिक ट्रांजिस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा का मतलब उन्होंने पीछे पढ़ा होगा, अब तो टाइम बहुत अब कम पास कम है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है BJT ट्रांजिस्टर पढ़ना क्या आप लोगों को, वहाँ पे एक नाम आता है हाइब्रिड पैरामीटर का, ठीक, एच पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स, ये आपको पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स आप लोग पढ़ेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो हो जाएगा ट्रांजिस्टर एज ए सी एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक, ट्रांजिस्टर एज ए सी एम्पलीफायर, ये टॉपिक आप कवर करेंगे। और ट्रांजिस्टर एज ए सी एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो इसमें एक आता है इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक, यानी कि सी एम्पलीफायर का ही इक्विवेलेंट सर्किट होगा यूजिंग एच पैरामीटर या एच पैरामीटर्स, ठीक, यानी कि इसको एच पैरामीटर मॉडल सर्किट भी बोलते हैं हम लोग। एच पैरामीटर का यूज करते हुए रिड्यूस्ड सर्किट बनाई जाती है सी एम्पलीफायर का, उस सर्किट को पढ़ेंगे और वहां से आप लोगों को कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप लोगों ने, जैसे एच पैरामीटर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक वैल्यू मिलेगी HOEHI, ठीक, जनरली इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, अगर जिसने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, चूंकि पिछले साल ट्रांजिस्टर हटा दिया गया था, उसमें आप लोगों को करंट गेन पढ़ाया गया होगा, फॉरवर्ड करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, फॉरवर्ड करंट गेन इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो उसको हम लोग अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा बीटा को हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, HIE HOE इस तरह से कुछ करके, ठीक। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, जितने भी रिलेशंस निकालेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर सी एम्पलीफायर में, ये सारे के सारे कैसे निकालेंगे, एच पैरामीटर्स के टर्म में, ठीक। तो एच पैरामीटर्स के टर्म में ही आपको करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, और उसके बाद सबसे एक लास्ट टॉपिक आता है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया है मिड और फ्रीक्वेंसी रेंज। ट्रांजिस्टर जैसे एम्पलीफायर में सारे कैलकुलेशंस करेंगे आप लोग एच पैरामीटर में, और एच पैरामीटर में मिडल फ्रीक्वेंसी रेंज जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पूछा गया है कई बार, ठीक। इसी में एक लाइन आता है लोड लाइन का, कैसे हम लोग लोड लाइन बनाते हैं, ठीक, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। लोड लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है कई बार किसमें, शॉर्ट नोट में, ठीक। तो लोड लाइन भी आप लोग एक बार देख लेंगे, BJTs का पोर्शन यहाँ से हो जाएगा खत्म। BJTs में ही थोड़ा सा, मतलब जो एम्पलीफायर था, BJTs में दो सेक्शन है, एक एम्पलीफायर है एक ऑसिलेटर है, तो एम्पलीफायर वाला सेक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप लोगों को सी एम्पलीफायर ज़्यादा फोकस करना है, सी भी बहुत कम पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है सी एम्पलीफायर से ही पूछा जाता है, ठीक। तो सी भी एम्पलीफायर की कैलकुलेशन भी लगभग सेम है, अगर आप सी एम्पलीफायर करें तो सी भी आप आराम से कर सकते हैं, कॉमन बेस आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा इसी में BJT में टॉपिक होगा वो है ऑसिलेटर्स, ठीक। ये था एम्पलीफायर वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा, ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स में आपको कहाँ फोकस करना है, पहली चीज पढ़नी है फीडबैकिंग, और फीडबैकिंग में भी, क्योंकि फीडबैकिंग अभी आपको बेसिक थर्ड ईयर में फिर से पढ़ाई जाएगी डिटेल्ड में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, निगेटिव फीडबैक, ठीक। अब नेगेटिव फीडबैक पढ़ने के बाद आप लोग सीधा पढ़ जाएंगे कहाँ पे, एक टॉपिक आता है जो बहुत बार पूछा गया है, बार्कहाउजेन क्राइटेरिया,
इसको कभी नहीं छोड़ेंगे आप, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ऊपर के टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, ये मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ, इसको आप छोड़ सकते हैं, बट 12,000 क्राइटेरिया भूल कर भी मत छोड़िएगा। इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, लगभग हर साल पूछे गए हैं। 12,000 क्राइटेरिया देख लीजिएगा। 12,000 क्राइटेरिया के बाद आप लोगों में आइसोलेटर्स का बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। आइसोलेटर्स में कुछ आइसोलेटर्स हैं प्रैक्टिकल आइसोलेटर्स जिनका सर्किट डायग्राम पूछा आता है, ठीक। तो सेफ और सेफ प्रैक्टिकल आप आइसोलेटर से क्या पढ़ना है, सर्किट डायग्राम, ठीक। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम किसका किसका पढ़ना है इसमें बताता हूं मैं। ये पूछा गया कई बार, कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर, ठीक, पहला ये है। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे हार्टले ऑसिलेटर, ठीक। तीसरा आप लोग पढ़ लेंगे कॉलपिट्स ऑसिलेटर, और चौथा जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर एक होता है। जब आप क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक नाम आएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक, या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कभी कोई शॉर्ट नोट में पूछ लेता है। नहीं तो आप लोगों को इन तीनों चारों ऑसिलेटर्स की सर्किट डायग्राम पढ़ना है, सिर्फ सर्किट डायग्राम, ठीक। सर्किट डायग्राम कैसे काम होता है वो सर्किट डायग्राम पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर्स का। अब सबसे लास्ट पोर्शन आपका बचा जो कि लास्ट यूनिट है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक। लास्ट यूनिट आपका क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन में आप क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन, तो दोनों ही देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसको भी देख लीजिएगा। ये पूछा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक। क्वालिटेटिव अप्रोच किसका किसका पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, फेज मॉड्यूलेशन का, पीएम लिख देता हूं इसको, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। इन तीनों का क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ना है। क्वालिटेटिव अप्रोच कहने का मतलब नॉर्मल आप इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन में दिखाएंगे कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है उसका वेवफॉर्म दिखा देंगे, यह होता है क्वालिटेटिव, ठीक। उसमें क्वांटिटेटिव किसका पढ़ना है, क्वांटिटेटिव पढ़ना है आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर, यानी कि फोकस करना है आपको कहां, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये पढ़ेंगे आप लोग। इसी में एक नाम आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक। जैसे आप लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो एक फार्मूला आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, स्मॉल एम से दिखाते हैं इसको, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक। क्या पढ़ लेंगे आप लोग, इसको भी देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। जब आप लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसी में एक नाम और आ जाएगा, साइड बैंड्स, ठीक। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड क्या होता है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो थोड़ा सा साइड बैंड्स और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जरूर देख लीजिएगा, आपको ज्यादा फोकस यहाँ करना है और यहाँ करना है, ठीक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये इसके सबसे लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसमें साइड बैंड्स के बाद बहुत कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मैं देख रहा था उसमें, देखता हूँ अगर कल मुझे पॉसिबल होता है, टाइम मिल जाता है, तो मैं इसके क्वेश्चन जरूर करके भेज दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार पूछा गया है
और बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें है कुछ नहीं, मतलब सिर्फ टर्म्स को लिख करके अरेंज करना है, लेकिन बहुत सारे लड़के छोड़ के आते हैं, तो उसको मैं देखता हूँ, अगर मैं टाइम मिले तो मैं जब कल जरूर करके देखूंगा, प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल बाहर भी जाना है, इसलिए इन चीज टॉपिक्स पर आप लोग खुद से फोकस कीजिएगा जरूर। ठीक, सबसे लास्ट है इसमें, वो है लीनियर डायोड डिटेक्टर, मतलब जब आप डी मॉड्यूलेशन में जाएंगे तो डी मॉड्यूलेशन में एक नाम आता है लीनियर डायोड डिटेक्टर का, लीनियर डायोड डिटेक्टर। ठीक, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका सर्किट डायग्राम, ये कई बार शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, लीनियर डायोड डिटेक्टर क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम, और हर एक स्टेज पर इसका वेवफॉर्म क्या होगा, मतलब सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो उसके एक एक स्टेज पर उसका वेवफॉर्म क्या होगा। ठीक, वेव का वेवफॉर्म ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इतने टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके पेपर से पूछे जा सकते हैं, अभी भी आप लोगों को ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये वीडियो लगभग 40 मिनट की चली गई है, 40 मिनट की वीडियो हो जरूर गई, इतना टॉपिक करने हर एक टॉपिक बताने में डिस्कशन करना पड़ा मुझे, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अभी स्किप किए हुए हैं, अगर सारे टॉपिक्स में अगर बताता तो शायद ये वीडियो 1.5 से 2 घंटे की होती। ठीक, तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है इसमें, जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए उसको मैंने बिल्कुल ही नहीं छुआ हुआ है, टच नहीं किया है, जो टॉपिक्स लगातार पूछे गए हैं करीब 10 सालों में वही टॉपिक्स को मैंने टच किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, इसमें 3 चैप्टर्स मैंने कवर कर रखे हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी मैंने कवर कर रखे हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है अगर ठीक से आप करेंगे तो। ये चीजें हैं, सबसे लास्ट एक टॉपिक और है उसको देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा गया है CRO। ठीक, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पेपर है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो शिल्पी का आता है वो POIQs का, तो जो शॉर्ट नोट में टॉपिक्स मैक्सिमम पूछे गए उसके मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, शॉर्ट नोट में आपका CRO पूछा गया है, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फीडबैक एम्पलीफायर पूछे गए हैं, मैंने अभी बताया है, पूछा जाता है। ठीक, तीसरा पूछा गया है, और सारे टॉपिक तो लगभग मैंने बताए हुए हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, तो जो जहां जहां मैंने बताया होगा कि ये शॉर्ट नोट में आते हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और बहुत खास टॉपिक तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, एक आध जहां पे LC फिल्टर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, LC फिल्टर्स, ये जरूर देख लीजिएगा, ये टॉपिक जो मैंने नाम नहीं लिया है कहीं भी, ऐसे मिडिल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पूछा गया है, ये मैंने पीछे बता दिया कि मिडिल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पूछा गया है, बैलिस्टिक गैलोमीटर के बारे में मैंने पीछे रखा बता रखा है कि बैलिस्टिक गैलोमीटर पूछा जाता है, यहाँ शॉर्ट नोट में पूछा गया है कई बार। ठीक, जो टॉपिक्स मैंने पीछे बता रखे हैं उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लोड लाइन, मैक्सवेल्स ब्रिज, वोल्टेज रेगुलेशन, लीनियर डायोड डिटेक्टर, ये एक साल पूछा गया है, ये 2014 में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन बाय जेनर डायोड पूछा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा एक बार चौथा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं सीधे इसको। यूजिंग जेनर डायोड, अब यूजिंग क्यों, तो वोल्टेज रेगुलेटर्स और भी आते हैं, जेनर डायोड किस वाई बनता है। ठीक, ये चीजें हैं, अब बैलिस्टिक गैलोमीटर बता दिए, एच प्राचल बता दिए, बार खाजन बता दिए, इक्विवेलेंस ऑफ TN5 बता चुका हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं यही 3-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि शॉर्ट नोट में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, अक्सर पूछे जाते हैं लोग, तो इसको भी देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।